सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 से आज हम लोग नया पाठ त्रिकोणमिति को शुरू करने जा रहे हैं। सभी छात्रों से मैं आग्रह करता हूं कि शुरू से अंत तक देखें और समझें। त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री लिखते हैं। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना है। त्रि जोड़ कोण जोड़ मिति, त्रि का अर्थ है तीन और कोण का अर्थ है दो भुजा के बीच जो कोण है, दो भुजा के बीच झुकाव बनता है वो कोण। मिति का अर्थ होता है माप। परिभाषा, सबसे पहले परिभाषा सीखना है। परिभाषा तीन कोणों की मापों, मतलब किसी भी त्रिभुज में अगर तीन कोणों की मापों को त्रिकोणमिति कहते हैं। तीन कोणों की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। जैसे यहां एक समकोण त्रिभुज आप देख रहे हैं, इसमें तीन कोण, कोण ए कोण बी कोण सी, तो तीन कोणों की मापों को त्रिकोणमिति कहते हैं। अर्थात त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों की माप तथा उससे संबंधित समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। हम लोग पहला नंबर में परिभाषा सीखे, दूसरा नंबर में सांकेतिक पदे, मतलब किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए खड़ी भुजा लंब होती है, पड़ी भुजा आधार होती है, ढाल वाली भुजा कर्ण होती है। फिर से सुनिए, खड़ी भुजा लंब होती है, पड़ी भुजा आधार होती है, ढाल वाली कर्ण होती है। खड़ी भुजा को लंब कहते हैं, पड़ी भुजा को आधार कहते हैं, ढाल वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। देखिए लंब को अंग्रेजी में परपेंडिकुलर लिखते हैं, आधार को अंग्रेजी में बेस लिखते हैं, कर्ण को अंग्रेजी में हाइपोटेन्यूस लिखते हैं। इस प्रकार से हम परपेंडिकुलर का फर्स्ट वर्ड टी है, लंब को पीछे सांकेतिक रूप में लिखते हैं। कर्ण का अंग्रेजी हाइपोटेन्यूस होता है, फर्स्ट वर्ड एच है, कर्ण को एच से सांकेतिक रूप में लिखते हैं। आधार का अंग्रेजी बेस होता है, बेस का फर्स्ट वर्ड बी है, बी को बी से आधार को सांकेतिक रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने इस समकोण त्रिभुज के लिए सांकेतिक पद सिंबॉलिक टर्म, समकोण त्रिभुज एबीसी में सिंबॉलिक टर्म को स्पष्ट रूप से दिखाया है कि एबी एक खड़ा भुजा लंब है, एबी बराबर लंब, परपेंडिकुलर पी, बीसी आधार है, बीसी आधार, बेस बी, ढाल वाली भुजा कर्ण, एसी कर्ण है, हाइपोटेन्यूस सिंबॉलिक पद में एच है। तो किसी भी समकोण त्रिभुज में याद रखना है परपेंडिकुलर पी, बेस बी, हाइपोटेन्यूस एच यानी लंब को पी से नोटेशन करना है, कर्ण को एच से नोटेशन करना है, आधार को बी से करना है नोटेशन। तीसरा बात, पाइथागोरस प्रमेय से किसी भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज के लिए यदि किसी समकोण त्रिभुज में हमको एच भुजा निकालना है या पी भुजा निकालना है या बी निकालना है, तीनों भुजा को निकालने के लिए तीन फॉर्मूला आपको दिखाया जा रहा है। पहला पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करेंगे तो इधर पाएंगे एच और उधर दाहिने पक्ष में पाएंगे रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला है पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या पी इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों में वर्गमूल करिए, इस पक्ष में पी मिलेगा, इस पक्ष में रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। तीसरा फॉर्मूला
बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्गमूल करिए, इस पक्ष में b मिलेगा और इस पक्ष में रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर, त्रिकोणमिति निष्पत्ति या रेशियोस, समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं और उनके बीच के कोणों में संबंध दर्शाने वाले अनुपात को त्रिकोणमिति निष्पत्तियां ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोस कहते हैं। यदि दो भुजाओं और उनके बीच के कोण में संबंध दर्शाने वाला रेशियो हो तो उसको त्रिकोणमिति निष्पत्तियां कहते हैं। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां एक दो तीन चार पांच छह, कुल आपको टोटल छह निष्पत्तियां याद रखना है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कोसकेंट, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण बराबर पी बाय एस। क्यों? परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, इसलिए इसको पी बाय, इस चीज को हम पी बाय एस लिख सकते हैं, जिसे लिखा जाता है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर लिखना पी बाय एस। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वैसे इन सभी को भी, इसे हम कॉस थीटा, इसे हम टेन थीटा, इसे हम कॉट थीटा, इसे हम सेक थीटा, इसे हम कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, इसके जैसा सभी को लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला छह निष्पत्तियों का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये साइन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉस थीटा बराबर पी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय एच, कॉट थीटा बराबर पी बाय पी, सेक थीटा बराबर एच बाय पी, कॉसेक थीटा बराबर एच बाय पी, ये याद रखना होगा आप लोगों को। आगे पांचवा नंबर, प्रमुख सूत्र इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है साइन थीटा, पहला फॉर्मूला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब कुल मिलाकर के हम 19 फॉर्मूला आपको अभी हम दिखा रहे हैं। पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर 1 / कोसेक थीटा, दूसरा कोसेक थीटा बराबर 1 / साइन थीटा, तीसरा कॉस थीटा बराबर 1 / सेक थीटा, चौथा सेक थीटा बराबर 1 / कॉस थीटा, पांचवा टेन थीटा बराबर साइन / कॉस थीटा, छठा कॉट थीटा बराबर साइन थीटा / साइन कॉस थीटा / साइन थीटा, सातवां टेन थीटा बराबर सेक थीटा / कोसेक थीटा, आठवां cot थीटा बराबर cosec थीटा / sin थीटा, नौवां नंबर sin थीटा / cosec थीटा बराबर 1, दसवां नंबर cos थीटा / sec थीटा बराबर 1, ग्यारहवां नंबर tan थीटा / cot थीटा बराबर 1, बारहवां नंबर sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, तेरहवां नंबर cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा, चौदहवां नंबर 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा, पंद्रहवां नंबर tan स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा - 1, सोलहवां नंबर 1 = sec स्क्वायर थीटा - टेन स्क्वायर थीटा। अब इस फॉर्मूला, ये टोटल हम आपको पढ़ करके सुना दिए, सत्रहवां नंबर 1 + tan 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा, अठारहवां नंबर 1 = cosec स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा, उन्नीसवां नंबर sin स्क्वायर थीटा + cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। देखिए फॉर्मूला याद रखना होगा, sin थीटा का फॉर्मूला 1 / cosec थीटा, sin थीटा बराबर 1 / cosec थीटा, cosec थीटा बराबर 1 / sin थीटा। यदि साइन निकालेंगे तो यहाँ नीचे कॉसेक होगा, और यदि कॉसेक निकालेंगे तो फिर ये कॉसेक यहाँ चला आया, तो ये साइन यहाँ चला आया, कॉस थीटा बराबर 1 / सेक थीटा, और यदि सेक निकालेंगे तो फिर ये यहाँ चला जाएगा, मतलब साइन का और साइन कॉसेक, साइन कॉसेक का सिस्टम देख लीजिए, कॉस सेक का सिस्टम देख लीजिए, tan थीटा बराबर sin थीटा / cos थीटा, cot थीटा बराबर sin थीटा / cos थीटा / sin, cos थीटा / sin, tan थीटा बराबर sin थीटा / cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा / sin थीटा, तो इसका जो फॉर्मूला है, नीचे cos है ऊपर sin, और इसमें नीचे जो ऊपर था tan के लिए वो cot के लिए नीचे हो गया, जो tan के लिए नीचे cos था वो cot के लिए कॉस ऊपर हो जाता है, मतलब टेन कॉट एक दूसरे से अपोजिट है, और साइन और कॉस, साइन कॉस में भी आप देख सकते हैं, सेक कोसेक, ये सारे फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। अब ये कैसे बनता है, ये सारे फॉर्मूला के बारे में थोड़ा हम आपको बताएंगे, ध्यान से देखिए कि
जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा और कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, तो ये दोनों साइन थीटा जब निकालते हैं तो कॉसेक 1 के नीचे होता है, जब कॉसेक निकालते हैं तो 1 के नीचे साइन होता है। उसी प्रकार से ध्यान से देखिए, कॉस थीटा जब निकालेंगे तो 1/sec थीटा और जब sec ही थीटा निकालेंगे तो 1/cos थीटा। क्या कारण है आप समझ सकते हैं कि जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, लेकिन जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का गुणा करेंगे तो हो जाएगा cosec थीटा गुना साइन थीटा इक्वल टू ए, या कॉसेक जब निकालेंगे तो फिर एक के नीचे साइन थीटा चला आएगा। इसी प्रकार से इस फॉर्मूला को भी निकाल सकते हैं, जब कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्रॉस मल्टी गुना करो, कॉस थीटा गुना sec थीटा बराबर एक एक से गुना होगा, एक होगा ये इससे गुना होगा, इस तरह से बन जाएगा। तो हम जब sec थीटा निकालेंगे तो 1 के नीचे कौन आएगा, बोलिए cos थीटा आएगा। इसी प्रकार से यहां कैसे हुआ, sin थीटा बराबर यहां को याद रखना है तो cosec कैसे होगा वो आप निकाल सकते हैं, cos थीटा बराबर याद रखना है, sec कैसे होगा वो आप निकाल सकते हैं, इस सिस्टम से इस तरीके से निकाल सकते हैं। और कैसे साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर एक हुआ, क्रॉस मल्टी करिए देखिए, यहाँ जब तिरछा तिरछी गुना होगा तो उस समय आपको एक मिल जाएगा। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे ध्यान से, एक जो आया साइन थीटा गुना कॉसेक थीटा बराबर एक कैसे हुआ, जब साइन थीटा बराबर बाय कॉसेक थीटा होता, साइन थीटा के नीचे कुछ नहीं तो एक है, क्रॉस मल्टी गुना करेंगे तो ये गुना होगा और एक एक गुना होगा तो एक होगा, ये मतलब कॉसेक थीटा गुना साइन थीटा बराबर एक, तो वही हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां भी देखिए, कॉस थीटा गुना सेक थीटा, कॉस थीटा गुना सेक थीटा बराबर एक कैसे हुआ, तो आप देख रहे हैं। तो ये थोड़ी सी आपको तर्क करते हुए फॉर्मूला को याद कर लेना है और अगले दिन हम इससे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल अभी शुरुआत में हम लोग को बेसिकली ये सभी फॉर्मूला अच्छे तरह से आपको दिमाग में याद कर लेना है और इससे हम अगले दिन के लिए अगले क्लास में अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से सीख पाएंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स।